यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आजमगढ़ चारागाह की जमीन को खाली कराने के संबंध में ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा पत्रक। चारागाह की जमीन पर हो रहा है कब्जा। आजमगढ़ चारागाह की जमीन को खाली कराने के संबंध में ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा पत्रक। गौरतलब है कि महनगर तहसील के ग्राम टेकमलपुर के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों से रूबरू होकर यह आरोप लगाया है कि ग्राम में 331 स्थित है, जिसका पूरा रकबा 16.700 कड़ी मौके पर है, जो कि चारागाह की जमीन है जिस पर पुराने समय से ही पशु चरते थे। इस चारागाह की जमीन पर गांव के ही रामनारायण द्वारा चारागाह की जमीन को अपनी जमीन बताते हुए जबरदस्ती खनवा कर मेड़ बांध कर कब्जा कर लिया गया है। इस मामले में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा भी कायम है और मांग की है कि चारागाह की जमीन पर निर्माण को रोका जाए जब तक कि न्यायालय से आदेश न हो जाए। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। सीताराम यादव, ग्राम टेकमलपुर, तहसील मेहनगर, जिला आजमगढ़। आज यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय पे क्या है? आज मैं जिलाधिकारी के कार्यालय पे इसलिए आया हूँ कि 16 एकड़ गांव सभा चरागाह की जमीन को हमारे गांव के पंधारी राम नारायण शिव बचन राम बचन ने सीडी लगवा करके उसको जुतवा करके मेड़ को बांध दिया है और मैं इसलिए आया हूँ कि जिलाधिकारी उसको संज्ञान में लेते हुए उन लोगों का नाम खारिज करके चरागाह दर्ज करें। तो क्या आश्वासन मिला है अधिकारी द्वारा आज आपको? क्या आश्वासन मिला है अधिकारी द्वारा आपको? आश्वासन क्या मिला है? क्या बताए हैं आपको? कुछ कहे हैं आपसे? फिर इसके बाद हम लोगों ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन के यहाँ उस जमीन के विषय में हम लोगों ने मुकदमा किया है और हम लोगों ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को एक प्रार्थना पत्र दिया है, एक जिलाधिकारी को दिया है, एक अपर जिलाधिकारी प्रशासन को दिया है, एक तहसीलदार लेहनगर को दिया। इसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा हूं कि जो चरागाह पर एंट्री कराए हैं उन सबों का नाम खारिज करके चरागाह दर्ज किया।